सभी को मेरा प्रणाम, मैं करुणा योग टीचर। दोस्तों, आज हम जानते हैं मानसून में अपने सेहत का कैसे ख्याल रखेंगे। मानसून में छोटी छोटी बातें याद रखें। तिल के तेल की मालिश। बारिश के मौसम में सप्ताह में कम से कम 2 बार तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। ये मालिश आपको स्वस्थ रखती है। कुछ लोगों को तिल का तेल गर्मी कर सकता है, इसलिए वे लोग नारियल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। तेल मसाले से दूर रहे। ज़्यादा भारी खाना, अम्लीय, गर्म खट्टी, चटनी, अचार, मिर्ची, दही, करी आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनके कारण कब्ज, अपचन, एसिडिटी और पेट फूलना जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तले हुए पदार्थ, जंक फूड और मांस न खाएं। सलाद से भी परहेज करें। उबली सब्जियां खाएं। उबली सब्जियां जल्दी पचने वाले पदार्थ हैं। पकी हुई सब्जियां, कद्दू, स्टीम सलाद, फल, मूंग दाल, खिचड़ी, कॉर्न, मक्का, काबुली चने का आटा और ओटमील आदि खाएं। भारी तेल। खाना बनाने के लिए घी, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का उपयोग करें। भारी तेल जैसे सरसों का तेल, मक्खन, मूंगफली का तेल का उपयोग न करें। बेसन से बनी चीज़ों से बचें। बेसन से बनी चीज़ों का अधिक सेवन इस मौसम में आपकी पेट में गड़बड़ कर सकता है। कई लोगों को ऐसे में हाइपर एसिडिटी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। एक्सरसाइज करें। बारिश के मौसम में बहुत अधिक भारी व्यायाम जैसे दौड़ना, साइकिलिंग आदि न करें। इसके कारण पित्त बढ़ता है। योग, वॉकिंग, स्विमिंग और स्ट्रेचिंग आदि व्यायाम अच्छे होते हैं। हाइजीन का ध्यान रखें। बाहर खाना खाते समय सावधान रहें। सुनिश्चित करें कि आप जिस स्थान पर खाना खाने जा रहे हैं वह साफ सुथरा हो। धन्यवाद।